ये जलसे आप जिलानी चौक में मुनक्किद हो रहा है और यहाँ पे बसने वाले तमाम मेहनत कश लोग जो रात दिन कोई खेड़े के ऊपर जाके चादर बेचता है, तो कोई भंगार की दुकान लगा भंगार खरीदने जाता है, तो कोई पावर लूम चलाता है, ऐसे तमाम लोग हमारे इस इलाके के अंदर दर्शन हुए। आज हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। शहर का डेवलपमेंट क्यों नहीं होता और शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, तमाम बातों के ऊपर बात करना चाहता हूं। मगर एक बात मैं जलसा शुरू होने के पहले बोलना चाहता हूं कि आज का दिन 2021 के अंदर 12 नवंबर को हमारे वो शहर के अंदर एक छोटा सी फसाद की शक्ल के अंदर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के अंदर जो लोग मोमेंटम देने गए थे, उस वक्त कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, किसी को पुलिस के ताबे में लेकर फंसाया गया। मगर वो 12 नवंबर का जो दिन था वो एक मंसूबा बंदी था कि शहर के अंदर किस तरीके से फसाद हो और बेगुनाह को फंसाया गया। हमारे शहर के माजी आमदार शेख आसिफ साहब बोला करते हैं कि मुझे पुलिस से ज्यादा रिपोर्ट रहती है। उन्होंने 12 नवंबर के अंदर जो जरा सी मामला हुए थे एक एक को चुन चुन कर उन्होंने फंसाने का काम किया। उस वक्त में गृह मंत्री अनिल देशमुख थे राष्ट्रवादी के, और उन्होंने वहां से दबाव डालकर जिन लोगों ने गुज़िश्ता 5 साल पहले उनके खिलाफ काम किया था उन लोगों को उन्होंने जेल की शराबों में 7-7, 8-8, 10-10 महीना रखवाया, जिसका नतीजा यह है कि आज का जो इलेक्शन होने जा रहा है लोग डरे सहमे हैं। उसका नतीजा यह है कि आज तक के लोग उसके डरे सहमे हैं कि एक आदमी जो फसाद करवाने के चक्कर में था शहर के अंदर और लोगों को फंसाया था, आज तक के लोग उसकी वजह से खुलकर इलेक्शन के सामने आ रहा है। मगर मैं मुबारकबाद देता हूं शहर की आवाम को कि बेचारे फिर भी जहां पर जाओ तो लोग यही बोलते हैं मैं 7 घंटा 6 घंटा रेगुलर हाउस टू हाउस पैदल चलता हूं। आज भी मैं आजाद नगर में तो 6 घंटा पैदल चल रहा। मैंने आजाद नगर के लोगों को मिलकर एक बात बताई कि हमारे शहर के अंदर डेवलपमेंट जो करता है उसके बारे में सोचने का मौका है आपको। मैंने 2,69,00,000 रुपये इस इलाके के अंदर अभी डाला हूं और 23 तारीख के बाद सरकारी दवा खाने से लेकर तो गांधीनगर चौक तक का सीमेंट रोड बनेगा, इफ्तिकार पहलवान के घर से लेकर सलाउद्दीन अयूबी चौक और सलाउद्दीन अयूबी चौक कारवा चौक से लेकर सलाउद्दीन अयूबी चौक तक के सीमेंट रोड का ऐसा काम मैंने मंजूर कराया। 2019 के अंदर इस इलाके के लोगों को मैं एक शादी हाल का तोहफा देना चाहता था कि मैं इस वार्ड का कारपोरेटर हूं, ऐसा कोई काम करूं कि इस इलाके के लोग जिस तरीके से अमित खा पठान को, वरुण अली अकबर को, यहां पर जो कांग्रेस जन को ऐसे लोगों को याद किया करते हैं, वरुण गुलशन पहलवान को याद करते हैं। इन्होंने उस वक्त मैं छोटा था जब देखा था कि गुलशन नगर जब डिपू बसा तो उन्होंने अपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, एक मकान नहीं रखा उन्होंने, लोगों के लिए डेवलपमेंट किया, लोगों के लिए उन्होंने वक्त किया।
मगर तकलीफ इस तरीके से हुई लोगों को कि मैंने जैसी वॉल कंपाउंड का काम शुरू किया उसको भर करना ही था। शेख अफजल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जो यहां का सट्टा चलाने वाला रफी भूरिया उसके वालिद के नाम के ऊपर है। शेख आसिफ साहब भी उसको कोर्ट में लेकर गए और यहां पर एक हाफिज नाम का लड़का है वो सोसाइटी के अंदर मेंबर है, उसने जाके कोर्ट के अंदर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद वहां से स्टे हासिल किया। तो मैं आजाद नगर के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताइए कि जवाब खाना किसके लिए बन रहा था। मैंने यहां तक के रफीक को बोला था कि इसको बनने दो, तू बैठ के बना ले इसको और क्रिकेट भी तू ले ले, मुझे क्रिकेट उडेट की जरूरत नहीं। अल्लाह का करम है मुझे लोग ऐसे 25 साल से सहयोग कर रहे हैं। मेरा डेवलपमेंट का दूसरा नाम एजाज बेग और एजाज बेग का दूसरा नाम डेवलपमेंट है। मेरा तामीरी जहन है, मेरा सियासी जहन नहीं है और मेरा दिमाग के अंदर बिरादरीवाद नहीं रहता। मैंने उसको समझा के बोला था कि इस शहर के मां बहनों के लिए बच्चियों के लिए एक अच्छा जमात खाना हो जाएगा और यहां पर वो मुझे पूछने लगा कैसे बनेगा रहता? कैसे बनेगा ये तू मुझसे क्यों पूछ रहा? 1 करोड़ रुपया मैंने उसके लिए पास किया था मगर वाल कंपाउंड हुआ और उसको दरवाजा भी नहीं लगने दिया गया, उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। मैंने आज स्टे की कॉपी घरों घर बांटा लोगों के पास जाके। गलत नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं तो मैंने बोलते हूं कि हमने स्टे नहीं लिए तो मैंने स्टे की कॉपी हर घर के ऊपर जाके दिया। तो यहां के शहर जी यहां आजम मैंने के लोग डेवलप नहीं चाहते हैं। हमारी बहन बेटी की शादी अच्छी शादी हाल में हो ये हमारे आजम नगर के लोग नहीं चाहते गया। ये सट्टा जुगाड़ चलाने के लिए इन्होंने काम नहीं होने दिया क्योंकि उनका सट्टा जुगाड़ वहां चलता है, इसके लिए इन्होंने वहां पर काम नहीं होने दिया। अरे अल्लाह का करम है कि हम लोगों को परेशान है इस वार्ड के लोगों का, ये इन लोगों ने मुझे वोट दिया था। मैं ऐसा चाहता था कि मेरे दौर के अंदर एक अच्छा जमात खाना बन जाए, कम से कम एक यादगार रहेगी शहर के अंदर कि एजाज बेग इस वार्ड का कारपोरेटर था, उसकी यही कारपोरेटर थी। तो इन लोगों ने जमात खाने का काम किया मगर कैसा है, अंधा बन जाता आदमी। और अंधा क्यों बनता आदमी मालूम है? अकीदे के ऊपर, मेरा लीडर ऐसा मेरा लीडर वैसा, इनको सब सट्टा जुगाड़ चलाना पड़ता इसके अर्थ के दबे रहते शेख आसिफ से। और ये दफ्तरी काम करते 23 तारीख का रिजल्ट आएंगे आप शहर के अंदर देख लेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों से मिलता, मैं लोगों से काम की बात करता और लोग मुझे यही कहते कि भाई साहब आपने 2001 के अंदर जो फसाद काम किया था, आपने 200 बम ब्लास्ट के अंदर काम किया, आपने कोरोना के अंदर काम किया, हम लोग हमारे घरों से निकले। हम लोगों को आने वाले वक्त के अंदर तालीम के ऊपर बात करना है कि माननीय शहर के अंदर प्राइमरी स्कूलों के ऊपर मैं आज बात करूंगा। आप लोगों ने मुझे अगर चुनके दिया तो माने को शहर के अंदर प्राइमरी स्कूल का निजाम कैसे सुधरे? आज हमारे बच्चे लोगों को बैठने के लिए पटरा भी नहीं रहता, यहां के लीडरान को तो शर्म के नाक के अंदर पानी डाल के डूब के मरना चाहिए। यहां आज देखो आप लोग स्कूलों के अंदर जाके जाते ही होंगे, हमारे इस इलाके के लोग बच्चों को प्राइमरी स्कूल के अंदर कारपोरेशन की स्कूल के अंदर बच्चे लोगों को छोड़ने के लिए, एक बच्चे लोगों को पटरा नहीं है मगर इनको शर्म नहीं आती, ये लड़ाई खिचड़ी के ऊपर करते हैं। शेख आसिफ साहब का ठेका खिचड़ी का, मुफ्ती इस्माइल का ठेका खिचड़ी का, मुस्तकिब डकैती का ठेका खिचड़ी का, माजी दादी का ठेका खिचड़ी का। अरे तुम डेवलपमेंट देखो, ये हमारे नादान मासूम बच्चों का देखो कि इसका क्या हाल है।
आने वाले वक्त के अंदर सरकार बनने वाली है। हम लोगों को एमबीबीएस कॉलेज, बीडीएस कॉलेज किस तरीके से बनेगा शहर के अंदर आए, और कॉलेजेस आने के बाद हमारी बेटियां आजकल चांदोड़ जाती है, नासिक जाती है, संगमनेर जाती है, धुरिया जाती है, मगर यहाँ के लीडरान को कभी भी ये नहीं आया कि हम लोग मालेगांव शहर के अंदर कौन से तरीके से बड़े बड़े कॉलेजेस लाए। अरे ये कॉलेजेस का क्या सोचेंगे, ये मुकुंदवाड़ी का भी सोचते, बाजू में देख लो आप लोग के बाजू में मुकुंदवाड़ी का सोचा है लोगों ने कभी, कितनी बड़ी जगह है। मैंने 17 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लाया, मैं छोटा सी कारपेंटर हूं, मगर अल्लाह के फजल करम से काम करने का प्लान कैसा है, सुबह से शाम तक के लोगों का काम हो। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला कांग्रेस की सरकार बनेगी, मां बहनों के खाते में हम हर महीना को हम 3,000 रुपया देंगे, एक घर के अंदर अगर 4 महिला है 12,000 रुपये हर महीने के अंदर आएगा। और तुम आज 1,500 में सोचो, तुम लोग एक महिला के लिए एक मां बहनों के खाते के अंदर साल का एक 5 साल का 1,80,000 रुपया आप लोगों को आया है। अगर आपके अगर समझ लो कि 5 लोग हैं तो कितना पैसा आप लोगों को मिलेगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का हमारे नेता ने कहा कि 500 रुपए के अंदर हम गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और मैं एक बात आप लोगों को बोलता हूं, मेरी बात को याद रखना, अगर आप लोगों ने मुझे चुन के दिया तो शहर के अंदर सबसे पहले सेशन के अंदर यहां से बिजली कंपनी को मालेगांव से 9-11 किया जाएगा। बिजली कंपनी को भगाने का काम अगर कोई करता है शहर के अंदर तो ये जांच में गए। तुम बताओ मेरे शहर के लोगों कि आज तक के बिजली कंपनी के बारे में उन्होंने कभी कुछ कहा क्या, एक बात कभी नहीं बोलते दोनों आज के आमदार और कल बाजी के आमदार लोग, ये सिर्फ अगर बोलते हैं तो जहां से आज के बाजी आमदार शेख रशीद साहब को 20,000 रुपया एक गिट्टी मशीन से हफ्ता आता है तो वहां उन गिट्टी मशीन वालों के बारे में बोलते कि भाई ये गिट्टी मशीन को चलने दो, ये मेरे लोग हैं, बाकी मेरे शहर के नौजवान बुजुर्ग हजरात मेरी मां बहने तुम्हारे बारे में बिजली कंपनी को कभी नहीं आज तक के लिए शहर को किस रास्ते पे लेके जा रहे, शहर को डेवलपमेंट के रास्ते पर हम लेके जाए, शहर को नशे से पाक करेंगे। अल्लाह ताला ने अगर मुझे नवाजा तो एक हॉस्पिटल वो बनाऊंगा शहर के अंदर कि जो बच्चे नशा करते वो नशे से पाक के शहर करने की कोशिश करें, ये तो नशे की लत लगाते लोगों को, दारू पिलाते, गांजा पिलाते, एमडी पाउडर पिलाते लोगों को, मगर हम लोग शहर के अंदर डेवलप की बात करेंगे, एमबीबीएस कॉलेज की बात करेंगे, बीडीएस कॉलेज की बात करेंगे, शहर के ऊपर रोजगार की बात करेंगे। हमारे शहर के अंदर मजदूर आज बहुत परेशान है, 1 करोड़ रुपये का मैंने बुनकर भवन का काम शुरू करवा दिया, 3-4 रोज हुआ, पीछे एक दिन मैंने पहले इब्तदा किया था, काम शुरू हो गया। हम शहर के अंदर मजदूर लोगों का भी 1-2 करोड़ रुपये का भवन बनाने जा रहे हैं, मजदूरों के लिए सहूलत किस तरीके से हो, हमारे मजदूर की बेटियां भी अच्छे से अच्छे शादी हाल के अंदर शादी करे, या शहर के अंदर हमारा डेवलपमेंट। आज मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं, गवर्नमेंट ने जो 5 गारंटी दी आप बताइए आज तक के ये गारंटी किसने दी,
एक आते एमआईएफ के अंदर छूट के जाते, एक दूसरे हजरत आए अभी रिक्शा लेके, अजीत दादा पवार से तरफ से बैठ के रिक्शा में आ गया। आप ये छून के जाएंगे तो करेंगे क्या? ये तो यही बात बोलते हैं हम अपोजिशन में है, काम नहीं होता। अरे भाई तो कौन से आप छून कर अभी चले जाएंगे तो सीएम बन जाने वाले हैं, सीएम बन जाएंगे क्या छून जाएंगे तो? शहर के लोगों को इनके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गुंडागर्दी बढ़ गई शहर के अंदर, तलवारें रात को खुली लेकर लोग घूम रहे, बंदूकें लेकर घूम रहे नशे की हालत में। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को दोनों जलसे में बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि डिपार्टमेंट के लोग ये गरीब रोजगार करने वाले लोगों को मत सताओ, जो बेचारे अपना छोटा मोटा धंधा करके तो अपने बाल बच्चों का रात का पेट भरते हैं। इन लोगों को परेशान करो जो बंदूकें लेके घूम रहे, उन लोगों को परेशान करो जो तलवारें लेके घूम रहे। ये शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, मगर कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत किया। गलत इस्तेमाल ऐसा किया कि सट्टा चलाने लगे तो बोलते हम तेरे पीछे खड़े, दारू बेचने लगे बोलते कि तू दारू बेच, हम तेरे पीछे खड़े हो। मगर ये नहीं बोलते कि ये सारी चीजें गलत है, क्योंकि इनके इनका नुकसान है। अगर ऐसे लोग इनके पास नहीं होंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? तो मालेगांव शहर के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि जो वक्त आने वाला है, ये वक्त को तुम संभाल लो, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है कि मैंने तकरीबन एक महीने से लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों के घर में जाता हूं, लोगों से मुलाकात करता हूं। आज भी मैं 6 घंटे इस इलाके के अंदर घूमा, लोगों को बताया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोगों ने मेरी आज इतनी इज्जत की आजाद नगर के अंदर, नया दिल्ली आजाद नगर के अंदर, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि जिस तरीके से मेरा इस्तकबाल किले के लोगों ने किए, मैपुर के लोगों ने किए, उसी तरीके का इस्तकबाल आज नया आजाद नगर उजड़ा आजाद नगर। कुछ लोग ऐसा समझते होंगे क्या जब हमारी वजह से छूट के आता था, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता था, कुत्ता समझता कि मैं बैलगाड़ी लेकर चल रहा। अगर याद रखना मैं एजाज पे गए, अल्लाह ने मुझे बहुत दिमाग दिया, बहुत हुनर दिया, मैं मेहनत करके यहां पर यहां तक के पहुंचा, मैं सट्टा और दारू बेचकर यहां तक के नहीं आया। अल्लाह का एहसान है कि मुझे जितने कम उम्र के अंदर मुझे पार्टी ने जितने कम वक्त के अंदर महा विकास अघाड़ी का उम्मीदवार बनाया, तो मुझे आज भी नहीं लगता और जिंदगी चले गई लोगों की। लोगों को टिकट नहीं मिला, मगर मेरे लीडर नाना करोड़े ने मुझे एक वक्त तो बोल दिया था कि मालेगांव शहर के तो तुझे टिकट दूंगा और उसको आमदार बना के रहूंगा। एजाज तुझा मेहनत कर, बहुत दिन से मेहनत कर रहा था। कुछ लोग गलत कर काटने के लिए बहुत परेशान थे, शेख आसिफ साहब ने एडीजेपी का जोर लगा दिए थे, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर एक ही बात चलती, बिरादरीवाद। ये चाहते थे कि एक सीट समाजवादी को जाए और एजाज व्यक्ति को सीट ना जाए। इन्होंने ऊपर इतने परेशान रहे बेचारे कि पसीना पोंछते थे और लोगों को फोन करते। इसे अल्लाह ताला करेगा, उसको कोई बंदा रोक नहीं सकता। मैं हमेशा मेरी किस्मत के ऊपर यह करता कि जो फैसला अल्लाह करता है मैं अल्लाह के हाथ फैसले को मानता हूं। यह फैसला भी अल्लाह के तरफ से उतर के आया, क्योंकि लोगों ने देखिए आजमाया को आजमाया नहीं जाता, आजमाया जाता क्या? 30 साल वो घराने ने राज किया, एक साहब ने 10 साल राज किए, अभी बीमार है बेचारे, अल्लाह उनको सेहत याद करे। हम तो यही दुआ करेंगे, सियासत अलग चीज है। कल हम जब उनको देखने के लिए गए तो उनके लिए अच्छे कलमात हमने दो लफ्ज उनको कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहत याद करे और जल्द से जल्द आपकी आवाम के बीच है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है सियासत कि भाई हम ही रहेंगे, ऐसी सोच एजाज में कभी नहीं रहेगा। वक्त तो आएगा, अल्लाह ताला जिसको वक्त तो देगा वो वक्त तो ऊपर अपनी गति संभालेगा। और ये अवाम है, अवाम ने 35 साल राज करने वाले को घर का रास्ता बताया, 25-30 साल करने वालों को भी घर का रास्ता बताया, और 2-5-10 साल वालों को भी बता दिया।
डेवलप की बात होना चाहिए, डेवलप नहीं है शहर के अंदर। शहर के अंदर तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। हमारी माँ बहनों के बारे में कहा गया था कि कालीन सनत लाएंगे, हमारी माँ बहनें परिस्थित नहीं सुनेंगी, मगर शहर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट अगर किसी का हुआ तो सियासी लोगों के घराने का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे आराम की जिंदगी गुजार रहे हो, मगर ये हमारे गरीब आवाम का कभी उन्होंने नहीं सोचा। मैं शहर की आवाम से यही अपील करूंगा कि आने वाला कल 20 तारीख को मेरा निशान एक नंबर के ऊपर है, और जिसका निशान पंजा है, पंजे से बहुत घबरा रहे, घड़ी घड़ी याद होता हमारा निशान, हमारा निशान क्या नहीं है, जोर से बोलो क्या नहीं है बोलते, तो घबराहट बहुत है। अल्लाह ने चाहा तो एक नंबर का बटन है, और जब पेटी खुलेगी तो आप लोग देख लेना एक नंबर का फिर इसका छीन लिया होगा। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।